हेलो एवरीवन, एक बड़ी चिंता का विषय है इस वक्त परमाणु हथियार बनाने का फिर से दौड़, और एक के बाद एक देश इस रेस में शामिल होते जा रहे हैं। कैसे परमाणु हथियार एक झटके में पूरे दुनिया को राख बना सकता है, कैसे अमेरिका का एक भूल पूरे दुनिया को परमाणु हथियार बनाने के दौड़ में शामिल कर सकता है, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया चाइना का परमाणु सहयोग कितना खतरा है विश्व शांति के लिए, हर एक सवाल का उत्तर आपको मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें। आज से 75 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु हथियार ने किसी भी मानव युद्ध की सबसे बड़ी तबाही मचाई थी। दशकों बीत गए, लेकिन वहां के लोगों के मन और दिल का दर्द अभी तक जिंदा है। फिर भी वो आजकल के परमाणु हथियार के तुलना में पटाखे थे। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने किसी भी युद्ध के दौरान न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग किया हो, लेकिन बड़े देश की दादागिरी, खास करके अमेरिका, रूस और चीन के वजह से अब छोटे देश भी वॉर डिटरेंस के नाम पर परमाणु हथियारों की दौड़ में तीव्र रूप से शामिल होते जा रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर इजराइल, इस समय ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया भी चुपके से इसमें लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और लंबे दूरी और ज्यादा एडवांस परमाणु हथियार बनाएगा आने वाले टाइम में। वहीं अगर अमेरिकन लोग, जिसने क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा मानव निर्मित खतरा बताया, लेकिन कोई देश पर्यावरण के लिए पैसा देने को तैयार नहीं होते और न्यूक्लियर हथियार बनाने के पीछे पैसों की बौछार लगा रहे हैं। अभी के समय पे चीन सबसे बड़ा दोषी है। चीन अपने हित के लिए कई नए देशों को परमाणु हथियार की तकनीक धीरे धीरे बेच रहा है और उसके बदले उस देश के नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा करने की कोशिश में लगा है। चीन समझता है अगर उसके पास ऊर्जा का भंडार आ गया और नेचुरल रिसोर्सेस इतना ज्यादा हो गया कि चीन के मदद के बगैर दुनिया आगे ना बढ़ सके, उसी समय चीन बिना युद्ध के ही सुपर पावर बन जाएगा। यह किसी से छुपा नहीं है कि चीन और पाकिस्तान ईरान की हेल्प कर रहे हैं परमाणु हथियार बनाने में। अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन सऊदी अरेबिया के यूरेनियम भंडार को पाने के चक्कर में सऊदी अरेबिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक दे सकता है। आप इस फोटो में देखो, यह 2014 का है, उस वक्त निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं आप अगर लेटेस्ट तस्वीर जो इस साल के 27 मई का है, इसमें साफ दिख रहा है कि काम लगभग पूरा हो गया है। और एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें जो दो स्क्वायर बिल्डिंग दिख रहा है वह सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि चाइना जो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यूरेनियम निकालने पे काम कर रहा है, कहीं आगे चल के इस रॉ यूरेनियम को एनरिच करके न्यूक्लियर वेपन फ्यूल ना बना ले। देखो, हम पूरे तरह से छोटे देश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर बड़े देश इस तरह से परमाणु हथियारों का जकीरा बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे तो हर एक देश को खुद की सेफ्टी का अधिकार है। भारत इस मुद्दे को लेके सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सऊदी भारत को हर एक वैश्विक मंच पे साथ देता है, यहाँ तक कि कश्मीर को लेके हमेशा भारत का साथ दिया है। लेकिन एक नए और इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी का बहुत जरूरत है ताकि आने वाले टाइम पे विनाश को रोका जा सके।